देख रहे हो, इनके साथ ये बता रहे हैं जाती हुई है इनके खिलाफ SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके कहे अनुसार जिसने SC ST का मुकदमा दर्ज करवाया है वह खुद ट्रैक्टर चला रहा था और इनके खिलाफ एक महीने बाद में ये मामला दर्ज हुआ है, ये इनका कहना है। और ये बड़े परेशान हैं और इन्होंने न्याय की गुहार लगाई। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। इंडिया 24 अपडेट में बने रहिए और आगे की नई ताज़ा खबरें आपको बताते रहेंगे। इंडिया 24 अपडेट को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। आमरण अनशन पर बैठे हो, कौन कौन बैठे हैं? आमरण अनशन पर जुगवीर सिंह, नरेंद्र सिंह, रमेश सिंह और नेकी राम, हनुमान, नथिया देवी, यशवंती, नीलम, सुनील, शमशेर सिंह और आशीष और ये लड़की हैं। कौन सा गांव है अपना? सुरेती पिलानिया सर, महेंद्रगढ़ ज़िले का है। महेंद्रगढ़ ज़िले में सतनाड़े के पास है। अच्छा, क्या समस्या आ गई? समस्या ये है सर, 92 नंबर FIR दर्ज करवाई थी हमने 4 घंटे DC साहब के कोठी के आगे धरना देकर, जब FIR दर्ज हुई थी हमारी और 20/6/2021 को दर्ज हुई थी सर ये। फिर इसमें न तो कोई कार्रवाई हो रही, कभी तो नहीं, 4 आदमी गिरफ्तार कर लिया, कभी 2 आदमी बता रही है सर। क्या मामला, किस लिए गिरफ्तार हो? गिरफ्तार ये था सर, हमने तो वह जमीन मतलब बयाना पर रखा था उसका, और इसके उप जिला प्रमुख है, प्रतिनिधि, उप जिला प्रमुख प्रतिनिधि है, उसने उसकी रजिस्ट्री करवा ली। कौन है? धर्मदेव सनोप श्री ओकार सिंह। कहाँ से? सुरेती जाखड़ से। अच्छा, उसने रजिस्ट्री करवा ली सर। हमने कपास वो रखी थी, कोर्ट में केस चल रहा था और उसने वो खड़ी कपास ने मतलब दहेज नहज कर गया, घराड़ा था, उनके मार पिटाई करी ज़बरदस्त, और न तो एक गाड़ी चला दी गई, न तो कोई अधिकारी गया वहाँ देखने गए, न कोई। क्या आपने शिकायत दी थी पुलिस में? हाँ, FIR 92 नंबर दर्ज करवाई सर। अब तक मौके पर कोई नहीं गया? 100 नंबर पर फोन भी कराया था, 100 पुलिस वाले ने भी फोन कराया था। आजकल 112 चला हुआ है, 112 बाद में चला था। अच्छा, पहले 100 नंबर चल रहा था। जी जी। अच्छा अच्छा, इच्छा तो अब आप क्या चाहते हैं? ये कुछ ये गुंडा गैंग है, ये गिरफ्तार करी जाए। और 60-70 आदमी था सर हमारे पास, बाड़कान छोटी मोटी जो वीडियो बना रखी है वह उनमें सबकी फ़ोटो है, अभी तक नहीं तो कोई गिरफ्तार कर रखा है। SP साहब से मिलते हैं हर मंगलवार को, हो जाएगा झूठा आश्वासन देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आमरण अनशन पर बैठे हैं सर। आमरण अनशन कब तक चलेगा? जब तक जी है जब तक चलेगा सर। तो वो किसकी ज़मीन है, किसने रजिस्ट्री करवा ली, फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, कैसे करवा ली, क्या झूठा झूठा मतलब वो ये तो कोर्ट तय कराएगा सर, वो झूठा है का हमारा झूठा है। अच्छा अच्छा, तो और किसी से रजिस्ट्री करवा ली? रजिस्ट्री तो क्या पता जी उससे करवाई, और के तो बता क्या नाम के करना। अब कब्जा किन का है? हमारा है सर, उसमें सरसों मटर बो रखी है। सरसों मटर बो रखा है जी जी, उसकी रजिस्ट्री और किसी ने करवा ली? जी जी। तो आपने इस संबंध में कहाँ कहाँ शिकायत दी है? ये मतलब नारनोल SP साहब के दी थी सर, SDM से मिल लिया, SP से मिल लिया, DC साहब से मिलते हैं हर 4 हफ्ते हो गए लगातार। क्या आश्वासन मिले? बट DSP DC साहब कल आया था, मैं सर फोटो दरवाण को नहीं आया, पहले मिला था हर हफ्ते वहाँ मंगलवार में सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या सुरेती पिलानिया गांव? जी सर जी। कोई लेडीज बोलना चाहेगी और कोई बोलना चाहेगा? इस जमीन पर हमारा कब्जा है, जो हम 15-16 साल से इसको बहुत तैयार हैं, और इसके पास की जमीन है उसकी भी हमने रजिस्ट्री करवा रखी, जिसकी 3 रजिस्ट्री हमारे पास हैं, और हमारे इसके पास बयान आ रही उसके मान ले वो हमारे जमीन के ऊपर 4 ट्रैक्टर लेके 60-70 गुंडा लेके उस फसल बर्बाद कर गया, हमारे साथ मार पिटाई करी, हमारे आदमी जिनके थे उनके ऑपरेशन हुए, उनका कोई डॉक्टरी का कोई अभी तक मान लो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी डॉक्टरी के ऊपर भी, हमारे बच्चियों के साथ भी बदतमीजी करी गई उन्होंने, हमारे साथ भी बदतमीजी करी, बच्चियों के ऊपर भी उन्होंने केस डाल दिया। उसका एक साथी है जी जो कि चमार है, वो उसने हमारे ऊपर SC ST का ये केस डाल दिया, उसके विरुद्ध पुलिस ने हमने गिरफ्तारी करने की बार बार धमकी मिलती रही, उसके मान ले 1 महीना बाद में उसने केस डाला हमारे ऊपर, और पुलिस ने जबरन हमारी वो जमानत दिलवा दी, और उनका 60-70 गुंडा मतलब अभी तक कोई भी नहीं गिरफ्तार कराया पुलिस ने।
और वीडियो के अंदर हमने जो उनके हाथों में हथियार थे वो वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जी। क्या साजी भी उस मारपीट में शामिल था? साजी उस टाइम पर ट्रैक्टर चला रहा था, वीरेंद्र है जी साजी का नाम, वो ट्रैक्टर चला रहा था, ये ड्राइवर उसका साजी है जी। अच्छा अच्छा, उसी ने आपके खिलाफ का है, उसी के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज? हाँ, एक महीने बाद में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। देखिए, ये महेंद्रगढ़ मिनी सचिवालय के सामने बैठे हैं, एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, सुरेती पिल्ला जो सामने बैठे हैं। आप वीडियो दीजिए, नंबर है मेरा व्हाट्सएप 9416715021। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।